डे ऑफ रेकनिंग। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हर 15 सालों के बाद गॉड मानव जाति को कम करने के लिए लाखों मॉन्स्टर्स धरती पर भेजते हैं और उन मॉन्स्टर्स के कारण लाखों लोग और शहर नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मॉन्स्टर्स और मानव जाति में वॉर शुरू हो जाती है। पर मानव जाति इस वॉर को जीतने में हमेशा नाकाम रहती है। फिर इसके कारण पूरी दुनिया के देश मिलकर एक सिक्योरिटी फोर्स बनाते हैं जो उन मॉन्स्टर्स पर स्टडी करते हैं, और तब उनको पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स धरती के नीचे एक होल से आते हैं जिसको गेट्स कहते हैं। फिर वो लोग सभी गेट्स को बिल्कुल सिक्योर कर देते हैं ताकि आगे मॉन्स्टर्स के द्वारा होने वाले हमले से वो बिल्कुल बच सके। फिर हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लॉरा नाम की औरत स्कूल के लैब में काम कर रही होती है, और तभी उसका मिल्टन नाम का दोस्त वहां पर आता है और लॉरा को वो डेट्स के लिए पूछता है, लेकिन लॉरा मना कर देती है क्योंकि वो अब अपने एक्स हस्बैंड जिसका नाम डेव होता है उससे अलग हो गई है। पर लॉरा डेव का 15 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम टेलर है, और वो बस हमेशा पूरे दिन पार्क में स्केटिंग ही करता रहता है। और उसकी एक मैडी नाम की गर्लफ्रेंड भी है जो कि बहुत ही परेशान है क्योंकि अगले दिन ग्रहण होने वाला है, और पिछली बार भी मॉन्स्टर्स ग्रहण के दिन ही आए थे। पर तभी टेलर मैडी को समझाता है कि पिछले 15 सालों से मॉन्स्टर्स तो धरती पर आए नहीं, तो इस बार भी नहीं आएंगे। फिर अगले सीन में हम डेव को देखते हैं जो टेलर को अपने साथ ले जाने के लिए लॉरा के पास आया होता है, क्योंकि वीकेंड पर टेलर अपने पिता डेव के साथ ही रहता है। अब उसके बाद हमें एक इमारत में गेट दिखाया जाता है जहां पर अलार्म बजने के कारण आर्मी के लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि 15 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर हम टेलर और डेव को देखते हैं जो टीवी देख रहे हैं, तभी डेव के पास उसके पुराने दोस्त टेड का कॉल आता है जो उसको बताता है कि उसने एक शेल्टर का नक्शा शेयर किया है और उसे अपने परिवार के साथ कल तक वहां आना है। फिर टेलर टीवी में न्यूज देखता है कि समुद्र में मछलियां अपने आप ही मर रही होती है, जिसका मतलब होता है कि कल ग्रहण के समय ही मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, और इस कारण ही डेव के दोस्त टेड ने उसको वो शेल्टर का नक्शा भेजा था। फिर उसके बाद डेव को लॉरा की कॉल आती है जो उसको टेलर को अपने पास लाने का बोलती है, पर डेव ये बोलकर मना कर देता है कि वो उसके साथ बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन लॉरा को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो डेव से जिद करने लगती है, जिसके कारण डेव मजबूर हो जाता है और लॉरा की बात उसको माननी पड़ती है। फिर वो टेलर को लेने उसके रूम में जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं होता क्योंकि जब टेल कॉल पर बात कर रहा था तब टेलर को फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट मैसेज आया था जिसको पढ़कर वो घर से बाहर चला गया था। फिर डेव ये बात लॉरा को बताता है जिसको सुनकर वो बहुत ही परेशान होने लगती है, पर तभी लॉरा के पास मिल्टन आता है और उसको बताता है कि उसने एक शेल्टर को बुक कर लिया है जहां पर वो मॉन्स्टर से बच सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर जल्दी जाना होगा। फिर लॉरा मिल्टन को बताती है कि टेलर कहीं नहीं मिल रहा है, और फिर हम देखते हैं कि मिल्टन टेलर के फोन नंबर को ट्रेस करता है और वहां टेलर अपने गर्लफ्रेंड मैडी के साथ होता है, लेकिन मैडी बहुत ही बेचैन होती है क्योंकि उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया है। तभी फिर हम देखते हैं कि आसमान में सभी पक्षी का समूह अजीब तरीके से उड़ रहा है। अब ये देखकर सभी लोग डरकर भागने लगते हैं क्योंकि इससे सबको पता चल जाता है कि अब मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डेव टेलर को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहां पर लॉरा और मिल्टन भी आ जाते हैं। फिर वो सभी मिलते हैं और कार में बैठकर चलने लगते हैं। फिर डेव उन्हें अपने दोस्त टेड के द्वारा बताई गई जगह पर जाने को बोलता है, लेकिन लॉरा उसे बताती है कि मिल्टन ने हमारे लिए पहले एक शेल्टर बुक कर लिया है और इसीलिए हम वहां पर जाने वाले हैं। पर जब तक वो शेल्टर में पहुंचते हैं शेल्टर पूरी तरह भर जाता है, जिसके कारण आर्मी उन सबको अंदर जाने से मना कर देती है। फिर वो डेव के दोस्त टेड को कॉल करते हैं पर टेड उनका फोन नहीं उठाता, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब करेगा, क्योंकि अब ग्रहण में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। फिर जब वो हाईवे में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स उनकी तरफ ही आ रहे हैं, जिसको देखकर डेव सबको कार में बैठकर वहां से चलने को बोलता है, लेकिन मिल्टन डेव को कार चलाने से मना करता है, जिसके कारण डेव और मिल्टन में बड़ी फाइट हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और एक मॉन्स्टर मिल्टन को अपने साथ ही उड़ा लेके जाता है। अब ये देखकर डेव की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और वो फटाफट अपने परिवार को वहां से दूर लेके जाता है। फिर यहां हमको पता चलता है कि मॉन्स्टर्स को नमक से मारा जा सकता है, पर किसी को भी ये पता नहीं होता कि ये मॉन्स्टर्स आते क्यों हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये लोगों को उनकी पापों की सजा देने के लिए आते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और डेव दूसरी कार लेने के लिए जाता है, पर कार में पहले से ही बैठा हुआ एक आदमी उसको रोक देता है और डेव को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब ये देखकर डेव कार को पीछे करने लगता है, लेकिन जब टेलर और मैडी कार से बाहर निकल रहे होते हैं मॉन्स्टर्स उनको देख लेता है और वो उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कार में बैठा दूसरा आदमी उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उस पर नमक फेंकता है, पर वो मॉन्स्टर उस आदमी को पूरी तरह मार डालता है। और ठीक उसी समय डेव अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाता है और वो जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां का पता डेव के दोस्त टेड ने उसको दिया था। फिर वो टेड को बंकर का दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाते हैं, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अब ये देखकर वो सब बहुत ही परेशान होने लगते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, और तभी बहुत से मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी किस्मत खुलती है और टेड अंदर से दरवाजा खोल देता है। अब बंकर के अंदर टेड की वाइफ स्टेला भी होती है और फिर वो सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि टेड के बंकर में गैरेट नाम का एक सोल्जर भी है
जो उन्हें बताता है कि उसने 15 साल पहले भी मॉन्स्टर्स का सामना किया था, जिसमें उसकी पूरी टीम मर गई थी, पर उसने खुद को नमक और कीचड़ में छिपकर अपने आप को बचा लिया था। फिर वो बाहर लगे कैमरा से देखते हैं कि मॉन्स्टर अभी भी बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर सोल्जर गैरेट उन सभी को आराम करने के लिए बोलता है, पर डेव को सोल्जर पर विश्वास नहीं होता और वो सभी को सोने के लिए मना करता है और एक साथ रहने के लिए बोलता है। अब ये सुनकर सोल्जर गैरेट गन निकाल लेता है और डेव को मारने की धमकी देता है। फिर बाद में हमको पता चलता है कि सोल्जर गैरेट ने टेड और उसकी वाइफ को इस बंकर में कैद किया हुआ है और ये जानकर डेव सोल्जर गैरेट को समझाता है कि ये समय आपस में फाइट करने का नहीं है और हमें मिलजुल कर इन मॉन्स्टर्स का सामना करना चाहिए। और फिर बाहर मॉन्स्टर से आने वाली आवाज भी कम होने लगती है, पर तभी एक मॉन्स्टर टेड की वाइफ स्टिला पर हमला कर देता है और पूरी तरह से उसको घायल कर देता है और इसके कारण सोल्जर गैरेट का ध्यान भटक जाता है और डेव उससे वो गन ले लेता है। बाहर मॉन्स्टर्स जोर जोर से दरवाजे पर मारते रहते हैं। अब ये देखकर वो सब लोग यहाँ से बाहर जाने का फैसला करते हैं। फिर सोल्जर गैरेट उनको बताता है कि वो यहाँ पर एक कार से आया था और उसने उस कार को पीछे वाले दरवाजे के पास खड़ा किया है। फिर वो सभी हथियार लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक मॉन्स्टर मैडी पर हमला कर देता है, पर टेलर और डेव मिलकर उसको बचा लेते हैं। फिर जल्दी वो सब कार तक पहुंच जाते हैं और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। फिर सोल्जर गैरेट बाहर जाकर कार को ठीक करता है, लेकिन उसी समय स्टीला अपने पति टेड से गन लेकर अपने आप को गोली मारने लगती है, क्योंकि मॉन्स्टर के हमले के कारण वो भी अब मॉन्स्टर में बदल रही है। लेकिन टेड स्टीला को समझाता है और उसके हाथों से गन ले लेता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत से मॉन्स्टर्स आते हैं जिसके कारण वो लोग स्टीला को छोड़कर चले जाते हैं। अब उसके बाद वो सब उस आर्मी गेट तक पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। और फिर डेव को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स ने यहाँ पर सभी को मार दिया है और वहाँ लॉरा और मैडी टेड की चोट पर पट्टी बांध रही होती हैं। लेकिन तभी डेव और सोल्जर गैरेट वहाँ पर आते हैं और उनको बताते हैं कि मॉन्स्टर्स यहाँ भी आ गए हैं, जिसके कारण वो सभी लोग स्टोरेज रूम में छिपने का फैसला करते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले रास्ते में एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। फिर डेव और सोल्जर गैरेट उस मॉन्स्टर का सामना करते हुए उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि दूसरे मॉन्स्टर उन पर चारों तरफ से आने लगे हैं। अब ये देखकर सोल्जर गैरेट वहां से भागकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है, क्योंकि मॉन्स्टर के हमले के कारण वो भी अब एक मॉन्स्टर में बदल रहा है। और वहां डेव भी सभी को लेकर एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहां उनको पता चलता है कि मॉन्स्टर्स पानी के पाइप की मदद से यहां पर आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से खाली होता है। फिर डेव पानी के टैंक तक जाकर उसमें नमक मिलाने का फैसला करता है, ताकि फिर वो उस पानी को मॉन्स्टर पर चलाकर उन्हें मार सके। डेव एक वेंटिलेशन की मदद से उस टैंक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक मॉन्स्टर डेव पर हमला कर देता है, पर डेव उस मॉन्स्टर पर नमक डालकर उसी को मार देता है और डेव जल्दी से टैंक तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मॉन्स्टर ने डेव के परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर टेलर मॉन्स्टर्स पर गोलियां चलाकर उनको रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उन्हें डेव की आवाज आती है, जो उन्हें गोलियां चलाने के लिए मना करता है और पानी की वेल को खोलने के लिए बोलता है। अब यह सुनकर टेड टेलर को अपने परिवार का ख्याल रखने को बोलता है और खुद पानी की वेल खोलने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर्स टेड पर हमला कर देते हैं, पर टेड एक कुल्हाड़ी की मदद से उन सभी का सामना करते हुए पानी की वेल को खोल देता है और पाइप से नमक का पानी आने के कारण वो सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स गेट के रास्ते से वापस जाने लगते हैं, क्योंकि अब ग्रहण का समय खत्म होने वाला है। पर जब टेलर अपनी मॉम लॉरा और मैडी के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां पर सोल्जर गैरेट आ जाता है और वह टेलर को गोली मारकर बोलता है कि अब इस दुनिया पर इंसानों का नहीं मॉन्स्टर्स का राज होगा, और ये बोलकर वो लॉरा को भी गोली मारने वाला होता है। लेकिन तभी डेव पीछे से वहां पर आ जाता है और सोल्जर गैरेट पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। पर उसके बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है, जो सोल्जर गैरेट पर हमला करके उसको धीरे धीरे जिंदा ही खा जाता है। अब डेव अपने परिवार को लेकर वहां से भाग जाता है और एक रूम में जाकर केमिकल की मदद से गैस बनाता है, जो मॉन्स्टर्स पर बिल्कुल नमक जैसा असर करती है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर्स रूम में आता है, तो डेव उस गैस को मॉन्स्टर पर छोड़ देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर ब्लास्ट होकर वहीं मर जाता है। अब लॉरा डेव को हक करती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि वो बच गए हैं। फिर उसे वहां से बाहर जाते हैं और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स के कारण दुनिया में बहुत सी तबाही हो गई है, पर फिर भी इंसान उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमेशा अंधेरे पर प्रकाश की जीत होती है। और दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।